हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है आपकी इस बिजनेस स्टडीज का, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के हमने पीछे वाली वीडियोस में कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं, वो सारे टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड लिंक्स आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने पीछे ही अभी कवर किया है, वो था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वो टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट प्रोबेबली वो एग्जाम में आ भी जाता है। तो इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। पहली बात, कैश फ्लो। अगर कंपनी के पास कैश फ्लो पोजिशन अच्छी है, आपके पास रेगुलर पैसा आ रहा है, इसका मतलब है कि आप कहीं से भी पैसा उधार लोगे इंटरेस्ट पे, तो आप उनको आसानी से इंटरेस्ट पे कर पाओगे। मतलब कैश फ्लो की पोजीशन अगर हमारे पास अच्छी है, तो इसका मतलब है कि हम इंटरेस्ट इजीली पे कर सकते हैं। पहली बात हमको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड आउट कर लेना चाहिए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बिलो इंटरेस्ट, ये रेशो जितना ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि हम डिबेंचर होल्डर्स को या जहां से भी हमने लोन लिया हुआ है वहां उनको हम इंटरेस्ट बहुत इजीली पे कर सकते हैं। तो ये रेशो जितना ज्यादा होगा आपके लिए अच्छा है। तीसरी बात, डेट सर्विस कवरेज रेशो। ये वाला रेशो इस रेशो को और भी अच्छे से कवर कर देता है। इसमें भी ये रेशो जितना अच्छा होता है, परसेंटेज जितनी अच्छी आती है, इसका मतलब है कि आप बाहर के लोगों को इंटरेस्ट बहुत अच्छे से पे कर सकते हो। इसी तरह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छी हो रही है, मान लो मैंने बाहर पैसा लगाया 10 लाख, 10 लाख के ऊपर मैं कमा रहा हूं 2 लाख, बाहर मैंने पे करना है 1 लाख, इसका मतलब है कि आपने सही जगह पे पैसा लगाया हुआ है। क्योंकि मेरे को कमाई कितनी हो रही है लगाए हुए पैसे पे, 2 लाख, पे कितना करना है 2 लाख में से 1 लाख, इसका मतलब है कि 1 लाख का तो प्रॉफिट कम से कम मेरे पास बच रहा है ना। तो 1 लाख का प्रॉफिट अगर मेरे पास बच रहा है, तो इसके मतलब है कि मेरी इनकम अच्छी हो रही है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट जो हमने लगाई है उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमको ऊपर रखना होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स को लेस करने से पहले वाला प्रॉफिट हमने ऊपर रखना होता है, और नीचे हम क्या रखते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस में की होती है। तो हमारा जो टॉपिक हमारे पास फाइंड आउट हो क्या रहता है, वो आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि वो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को या जहां से भी लोन लिया हुआ है उनको हम इंटरेस्ट की पेमेंट बहुत ईजी कर सकते हैं। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ डेट्स का हमको ध्यान रखना है। अगर डेट कैपिटल से कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, मान लो डिबेंचर होल्डर्स आपको 8% पे दें और कोई दूसरा डिबेंचर होल्डर आपको 10% पे दे, कहां से पैसा लेना पसंद करेंगे 8% वाला? तो कॉस्ट ऑफ डेट भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि डेट कैपिटल के ऊपर अगर कॉस्ट कम है तो आप डेट कैपिटल यूज कर लो, अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो इसको अवॉइड करना ही हमारे लिए बेटर है। आगे देखते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कभी कभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास मान लो इक्विटी कैपिटल है और हम क्या कर देते हैं, डिबेंचर्स भी इशू कर देते हैं। डिबेंचर्स के इशू करने की वजह से कंपनी के ऊपर एक भार बढ़ जाता है, क्योंकि हमको हर हालत में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर्स के ऊपर रिस्क ज्यादा आ जाता है, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा कब वापिस मिलता है, सिर्फ कंपनी बंद होने की सिचुएशन में। तो इक्विटी कैपिटल के ऊपर कॉस्ट को भी हमको ध्यान रखना है, वो कॉस्ट कभी कभी हमारी डेट कैपिटल इशू करने की वजह से आ जाता है, तो वो बातें भी हमको ध्यान रखनी होती है। आगे बात, टैक्स रेट। अगर टैक्स की रेट ज्यादा है तो हमारा डिबेंचर्स के ऊपर हम फायदा ले सकते हैं। टैक्स रेट कम है तो डिबेंचर से पैसा वसूल करना, डिबेंचर होल्डर से पैसा लेना आपको थोड़ा महंगा पड़ता है, तो टैक्स रेट का भी थोड़ा ध्यान रखना है। आगे है हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट को हम बोलते हैं निर्गमन लागतें। वो लागतें जब हम शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करने के ऊपर आती हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर्स को या इक्विटी शेयर को जारी करते हुए अगर आपके खर्चे ज्यादा आ रहे हैं, तो आप क्या करो, डिबेंचर्स इशू करो, क्योंकि डिबेंचर्स को इशू करने के ऊपर हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट बिल्कुल कम आती है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट का अपने को ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट टॉपिक, रिस्क।
रिस्क दो टाइप का, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क मतलब, ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब है कि बिजनेस के ऑपरेशन में रखने के लिए हमको सैलरी पे करनी पड़ती है, बिजली का बिल पे करना पड़ता है, कुछ और चीजें भी हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मुझे पे करना पड़ता है। फाइनेंशियल रिस्क मतलब डिविडेंड पे करना, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना, बैंक से लोन लिया हुआ है वहां पे इंटरेस्ट पे करना। तो ये रिस्क भी हमको ध्यान रखना है कि कहीं ये रिस्क हमारे पास ज्यादा तो नहीं चल रहा है। रिस्क ज्यादा चल रहा है तो हमको थोड़ा ध्यान से काम करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता। फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी हमारे पास कितनी है, हम कितनी लचकता में काम कर रहे हैं। टाइम आने पर या खड़े पार्क पर अगर आपको लोगों को पैसा रिटर्न करना पड़ जाए तो क्या आप लोगों को पैसा रिटर्न करने की हालत में हो? हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का हमको ध्यान रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर डिबेंचर होल्डर को आपको पैसा वापस करना हो तो पैसा क्या वापस कर दोगे? या मान लो हमारे पास पैसा ज्यादा रखा है तो क्या भी आप तब भी पैसा वापस कर दोगे? तो हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने का भी फंडा हमारे पास हमारे हाथ में होना चाहिए। लोचशीलता हमारे पास होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हाथ में होनी चाहिए। जब चाहे हम कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कर पाए, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंपनी के जो रियल ओनर होते हैं कौन होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल वाले। अब कंपनी जब भी नए इक्विटी शेयर इशू करेगी, कंपनी के ऊपर कंट्रोल ज्यादा लोगों का बढ़ जाता है। कंपनी के पहले मालिक है मान लो 1,00,000, अब कंपनी ने और इशू जारी कर दिए तो कंपनी का मालिक होगा भी 1-2 लाख। तो अगर आप कंट्रोल कम चाहते हो तो इक्विटी शेयर कम इशू करो या और ज्यादा इशू मत करो। अगर कंट्रोल आप पहले के लोगों के हाथों में रखना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, डिबेंचर्स इशू करके डिबेंचर से पैसा वसूल कर लीजिए, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के किसी भी काम काज में इंटरफेयर नहीं करते हैं। पर अगर कंपनी के मालिक बढ़ गए तो क्या होगा, उनका इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। वो कहेगा मेरी मानो, वो कहेगा मेरी मानो, दूसरा बंदा बोलेगा मेरी मानो, तीसरा कहेगा मेरी बात मानो, तो सब बीच में इंटरफेयर होता रहता है, कंपनी कोई काम अच्छे से कर ही नहीं पाती है। तो अगर आप कंट्रोल ज्यादा चाहते हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल और इशू कर दो। कंट्रोल अगर पहले वाले लोगों के हाथ में रखना चाहते हो तो हमको डिबेंचर्स का ही हेल्प ले लेना चाहिए, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स कभी भी कंपनी के कामों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। अगली बात आती है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क। कुछ सेबी की गाइडलाइंस होती हैं, कुछ कंपनी के स्ट्रक्चर होते हैं, डेट इक्विटी रेशो होते हैं, जैसे 2:1 डेट इक्विटी रेशो, 4:1, 6:1, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमको देख लेना चाहिए कि हमने क्या फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर ज्यादा रिस्क चल रहा है, रिस्क के केस में क्या होता है, कोई भी शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाना पसंद नहीं करता है, स्पेशली इक्विटी शेयर्स कोई भी खरीदना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा डूब जाएगा या डिविडेंड कुछ मिलने नहीं वाला। तो स्टॉक मार्केट की कंडीशन को अपने पहले देख लेना है। अगर स्टॉक मार्केट में रिस्क चल रहा है तो आप इक्विटी शेयर्स इशू मत करो, क्योंकि कोई भी आपकी इक्विटी शेयर खरीदने नहीं वाला। तो अगर रिस्क कम है, लोगों को पता है कि इस कंपनी में पैसा लगाना बेनिफिशियल है, स्टॉक मार्केट में रिस्क भी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। हमको अगर अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स करना है तो हमको हमारी ही कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स करने से पहले दूसरी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को भी देख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाली कंपनी का भी फंडा यही होता है, सामने वाली कंपनी भी मेरे जैसा काम कर रही है, जो मैं मटेरियल सेल करता हूँ वो मटेरियल वही सेम सेल कर रही है, मेरा जो काम है उसका भी वही काम है। तो सामने वाली कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को देखकर मुझे अपनी कंपनी का भी कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स कर लेना चाहिए। तो ये सारी वो बातें हैं जो ये फिक्स करती हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर की हम चॉइस कैसे करें। कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस के अंदर हमको क्या देखना होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा कितना आए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा कितना आए, डेट कैपिटल से, डिबेंचर से, लोन से हम पैसा कितना लें। ये 3-4 बातें जो हैं, जो लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज से पैसा लेने की बात है, उस वो डिसाइड करती है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कोई भी कंपनी का जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने जा रहे हो तो ये हमको 10-12-14 बातें बहुत अच्छे से पहले ध्यान में रख लेनी चाहिए। तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।